गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह की 8:30 बज रहा है एंड आज का दिन बहुत हेक्टिक होने वाला है। ब्रश करना नहीं नहीं इसका नहीं दरकार है। ओके, मेरा ब्रश हो गया, वो काम भी हो गया एंड वेट। ओके नाउ ठीक है, दरकार था यार, पूरा बाल खराब होकर रखा था। तो मैं क्या कर रहा था, आज बहुत सारा काम है। एक तो काम है अभी दूसरे चैनल के लिए वीडियो एडिट करना, फिर मेरे एक बहन का कॉलेज का फॉर्म भी फिलअप करके देना है, वो अभी आएगी, और आज ऑफिस भी जाना है, वो ठीक है आफ्टर लंच जाना है, तो उसमें थोड़ा टाइम है। तो आज मेरा हेक्टिक डे होने वाला है, तो एडिटिंग से शुरू करते हैं काम। तो ये लड़का सुबह पहले ही बोल दिया था कि आज हेक्टिक डे होने वाला है, फिर भी देखो मैंने लोचा कर दिया लोचा। सम के 4 बजने वाला है, मेरे को अभी ऑफिस जाना है एंड बंगाली चैनल की एडिटिंग कंप्लीटेड नहीं है और ऑफिस के लिए भी लेट हो चुका हूँ। मतलब टाइम मैनेजमेंट का सत्यानाश हो गया है। तो ऑफिस के लिए निकलते निकलते मेरे को पूरा 4 बज गया, ऑफिस मेरे को पहुंचना था 2 बजे। तो आज ये हाल हो गया, इतना लेट कौन करता है भाई ऑफिस के लिए भी। तो लिटरली आज ऑफिस के लिए भी इतना लेट हो गया। और आज बाइक लेके निकले क्योंकि आज आसमान तो साफ था बट अभी बादल छा गया, पता नहीं बारिश बरसाएगी कि नहीं। आज तो पूरा हौचपोच हो रहा है पूरा, बस आज होप बारिश ना गिरे। वैसे भी मेरा ऑफिस पास में ही है, 2 मिनट लगेगा ऐसे पहुंचने में, और सिर्फ इतना सा के लिए गाड़ी निकाल के कोई फायदा नहीं बनता, तो इसके लिए बाइक ही सही है भाई। चलो सिग्नल तो खुला है मेरे लिए, नहीं तो फिर से 1 मिनट लेट हो जाता। यस, पूरा पूरी मेरे को 2 मिनट लगा ऑफिस पहुंचने में, ये सौरव कहने से। क्या हाल है भाई सौरव, हाय कर दे। अभी ऑफिस आया तो सिर्फ GoPro लेके आया था, नो DSLR, तो क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। और अगर आप लोगों का कॉलिग्स कुछ ऐसा होगा जो हर एक सेकंड में उसको चाय पीने की दरकार होती है, तो काम थोड़ी ना बनेगा, काम नहीं बनेगा। अब मेरे को तो पीना नहीं था, तुम लोगों ने बुलाया, मतलब लालच लग गया कि तुम लोग जा रहे हो तो हम भी चले जाते हैं। चाय पीना जरूरी है, मतलब हम 4 बजे ऑफिस आए और 5 बजे निकल के चाय पीने, लेवल हम ही लोग काम कर रहे हैं, वही अंबानी से ज्यादा हम लोग बिजी। गौर से देखो इस चेयर, सुट्टा पी रहा है। सुट्टा नहीं है वो। अपना चलो भाई शाम की चाय तुम लोगों के साथ, बहुत दिन बाद। एक्चुअली जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है उसे मिलना जुलना मुश्किल हो गया है। बर्थडे से एक हफ्ता पहले, महीना हो गया 1 महीना बाद हम लोग मिल रहे हैं। इसका दाढ़ी बढ़ गया, इसका पेट बढ़ गया। आज का काम तमाम। सौरभ तो बहुत काम कर लिया आज, तुम्हारा भी खत्म काम? नहीं खत्म। तो आज का काम पॉज कर रहे हैं, खत्म नहीं हुआ, पॉज कर रहे हैं, सही है। अब कल से स्टार्ट, कल से स्टार्ट। तो हम लोगों का ऑफिस मतलब अब तक वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो कल से रेगुलरली अभी ऑफिस चलेगा जब तक लॉकडाउन नहीं आता है। चल मतलब घर से काम नहीं होता भाई, ऑफिस नहीं आता तो घर से काम नहीं होता ठीक ठाक। तो हर्ष भाई को जाना है घर, लेकिन नो उबर, नो रैपिडो, नो ओला, नथिंग। दो बाइक है हम लोगों का, बट हम लोग लेके नहीं जाएंगे। आज हो पाएगा? मेरे को बंगाली वीडियोज भी अपलोड करना है, इसके वजह से हम इधर फंसे हैं। इसको भेजना है, फिर जाके घर जाके एडिट करना है वो बंगाली वाला वीडियो, फिर बहुत सारा काम है, ये वीडियो भी एडिट करना है। तो भाई मतलब डेली व्लॉगिंग कितना डिफिकल्ट हो सकता है अभी समझ में आ रहा है मेरे को। शुरू तो कर दिया था तो निभाना तो पड़ेगा, नहीं तो घर पे रह के दोनों तरफ का काम कर सकते थे। बट फिर भी डेली व्लॉगिंग इज टू मच डिफिकल्ट, बट चैलेंज ले लिया है तो भाई करेगा। भाई छाव में बाल बहुत सही लग रहा है मेरा। भाई बोला था पहले कि आज का दिन हेक्टिक होने वाला है,
8 बज गया है, 9 बजने तक मेरे को बंगाली वीडियोस अपलोड चाहिए क्योंकि मेरा टाइम होता है 5 बजे, बट आज हो नहीं पाया। तो डेली वीडियो जो चल रहे हैं उसको ब्रेक नहीं करना है। तो बस 10:30 बज रहा है एंड जस्ट अभी बंगाली चैनल पे वीडियो पब्लिश किया, तो मैं अभी पानी पी सकता हूँ। ये भाई सुबह ही बोल दिया था कि आज बहुत हेक्टिक होने वाला है। डेली व्लॉग्स मुझे खुद को कैसे पुश करते हैं वो सिखा रही है, और आगे चल के शायद कैसे टाइम मैनेज करते हैं वो भी सिखा देगी। तो आज के लिए बस वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो परसों, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।